Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So, as you already know from the title of the video, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने करंट फेवरेट कुछ स्किन केयर, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स और कुछ फ्रेग्रेंसेस शेयर करने वाली हूँ. तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सबसे पहले मैं बात करूँगी अपने फेवरेट मॉइस्चराइजर के बारे में, जो कि मेरा अभी करंट फेवरेट है. मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा. सो ये है मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर दीज डेज. आई रियली लव दिस मॉइस्चराइजर. दिस वन इज़ फ्रॉम पॉन्ड्स. बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, और अगर आप ऑयली स्किन टाइप पीपल हो तो ये तो आपके लिए बेस्ट है. हाँ, ड्राई स्किन टाइप पीपल के लिए थोड़ा सा ड्राइंग हो जाता है, बट फॉर दी ऑयली स्किन टाइप पीपल दिस इज़ गुड, दिस इज़ ग्रेट. और ये बहुत ही हैवी फील नहीं होता फेस पे, बहुत ही ज़्यादा लाइट है और आपको कोई ब्रेकआउट्स भी नहीं होंगे. प्लस ये आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है. सो येस, दिस इज़ माई फेवरेट दीज डेज. सो हियर इज़ माई नेक्स्ट प्रोडक्ट. दिस इज़ दी फाउंडेशन फ्रॉम मेबलिन फिट मी रेंज. आई रियली लव दिस फाउंडेशन. आज से नहीं, हमेशा से ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन रहा है. सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, प्लस ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आपके स्किन पे. बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, प्लस इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है और प्राइस भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ अफोर्डेबल फाउंडेशन, तो डेफिनेटली यू कैन चेक दिस आउट. सो हियर इज़ माई थर्ड प्रोडक्ट. दिस इज़ दी कॉम्पैक्ट पाउडर फ्रॉम लॉरियल मैट मशीक. आई रियली लव दिस पाउडर बिकॉज इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है. देयर आर सम डेज जब आपको फाउंडेशन वेयर नहीं करना होता, कोई बीबी क्रीम नहीं लगानी होती. सो उस टाइम पे आप क्या करते हो, यू जस्ट रियली हैव टू अप्लाई दिस कॉम्पैक्ट एंड आपको बहुत अच्छी कवरेज मिल जाती है एंड यू आर गुड टू गो. मैं कई बार इसे अपनी हाईलाइटिंग भी करती हूँ. अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा. थर्ड प्रोडक्ट पे, तो हियर इज़ दी आई शेडो पैलेट. दिस वन इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी. आपने मेरे कई सारे वीडियोज़ में इसको मुझे यूज़ करते हुए देखा होगा. ये बहुत ही अमेजिंग है. सबसे पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ही छोटू सा है, क्यूट सा है, तो ट्रैवल फ्रेंडली भी है. प्लस इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है. एक ही स्वाइप में बहुत ही अच्छा इंटेंस पिगमेंटेशन मिलता है आपको. जो डार्कर कलर्स है उसकी पिगमेंटेशन तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. जो यू आर अ बिगिनर इन मेकअप या आप कॉलेज गोइंग हो तो डेफिनेटली इस वाले आई शेडो से आप स्टार्ट कर सकते हो. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. इसका फॉर्मुलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही फाइन है, बहुत स्मूथ है, बिल्कुल भी चंकी नहीं लगता. इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है. सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट. सो हियर इज़ माई नेक्स्ट प्रोडक्ट. दिस इज़ दी आई लाइनर फ्रॉम मेबलिन. दिस वन इज़ लिक्विड आई लाइनर. रियली अमेजिंग. ये मेरी सिस्टर ने मुझे रिकमेंड किया था. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. राइट नाउ मैंने इसको अपनी आईज पे अप्लाई भी किया हुआ है. बहुत ही अमेजिंग है. एक स्वाइप में लगता है. बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन है. कलर इज़ वेरी नाइस. एज यू कैन सी राइट नाउ आई एम वेयरिंग दिस ऑन माई आईज. नेक्स्ट अप आर दीज टू लिपस्टिक्स. दिस वन इज़ फ्रॉम मेबलिन एंड दिस वन इज़ फ्रॉम लैक्मे 9 to 5 रेंज. अगेन, आपने इन लिपस्टिक्स को मुझे मेरे कई सारे मेकअप वीडियोज़ में यूज़ करते हुए देखा होगा. सबसे पहले बात करेंगे हम इस वाले लिपस्टिक की. ये है फ्रॉम मेबलिन एंड इसका शेड नंबर है 02. इसका ब्रिक रेड कलर है. बहुत ही अच्छा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. कवरेज इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है. आप इसको एक बार लगा लो, एटलीस्ट 8-9 आवर्स तक आपको टचअप करने की ज़रूरत नहीं है. अगर इफ़ यू आर ईटिंग समथिंग ऑब्वियसली यू हैव टू, बट इफ़ यू आर नॉट ईटिंग, इफ़ यू आर गोइंग आउट स्पेशली इन दिस सीजन इन विंटर्स, ये डार्क वार्म कलर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं फॉल सीजन में. सो बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल है, प्राइस वाइज भी बहुत अमेजिंग है. तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम डार्कर शेड्स, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन. स्टिक, दिस इज द लिपस्टिक फ्रॉम लैक्मे 9 to 5 वेटलेस मैट मूज लिप एंड चीक टिंट. बहुत ही अमेजिंग है. ये मैं लिप्स पर भी बहुत यूज़ करती हूँ और अपने चीक्स पे भी यूज़ करती हूँ. कलर बहुत प्यारा है, फूशिया पिंक कलर है, जो कि बड़ा ही अमेजिंग लगता है, बहुत खिल के आता है. सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर ब्रंच और अगर किसी डे टाइम फंक्शन में जाना है तो ये लिपस्टिक बेस्ट है. बहुत ही अमेजिंग लिपस्टिक है. स्मूथ बहुत ज़्यादा है, जैसा कि एज दिस सेज दैट दिस इज़ वेटलेस. येस, इट इज़ वेटलेस. बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है वेन यू आर वेयरिंग दिस. डजेंट फील हैवी ऑन योर लिप्स and stays for long, so obviously you can try if you are looking for some nice pink lipstick. This is the micellar water from Garnier. ये
मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज इससे मेकअप बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है, प्लस ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ये वीडियो मेरा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के बारे में है, करंट फेवरेट अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छे से मेकअप भी रिमूव कर देता है। सो आई रियली लव दिस मिसेलर वाटर। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट फ्रेगरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहला है, दिस इज़ माय फेवरेट फ्रेगरेंस, आई ऑलवेज वेयर दिस वन, दिस इज़ दी पेरिस हिल्टन, आई रियली लव दिस। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ऑब्वियसली प्राइस भी थोड़ा सा प्राइजी साइड पर है, बट इट्स ओके, स्मेल बहुत अच्छी है, स्टेज फॉर लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय तक आपके ड्रेस पे रहता है, लंबे समय तक क्या, आई थिंक ये 2-3 वॉशेस तक तो रहता ही रहता है। रियली रियली लव दिस परफ्यूम, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, चाहे समर्स हो, विंटर्स हो, एनी सीजन ऑफ द ईयर, आई लव दिस परफ्यूम, आई लव वेयरिंग दिस परफ्यूम। अब बात कर लेते हैं मेरे नेक्स्ट परफ्यूम की, ये है जस्टिस स्ट्राइकर, दिस वन इज फ्रॉम मिनी, सो मेन रेंज का है, बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, मैं इसको नाइट टाइम में वेयर करती हूँ जब मुझे ये वाला यूज़ नहीं करना होता है, तो समटाइम्स आई यूज दिस वन ऑल्सो। स्मेल इसकी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी लंबे समय तक रहता है, और इसकी स्मेल बहुत ही प्यारी सी, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, नाइट टाइम के लिए परफेक्ट है। लास्टली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो में भी इंक्लूड किया था, दिस इज अगेन फ्रॉम मिनीसो, दिस इज वायलेट मस्क, बहुत ही प्यारा परफ्यूम है, स्पेशली फॉर डे टाइम, फॉर विंटर्स, इसकी क्लासिक मस्की फ्रेगरेंस है जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। अगर आप किसी मीटिंग में या किसी फॉर्मल मीटिंग में जा रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली वेयर दिस, और बहुत ही अमेजिंग है, प्लस इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आई गॉट दिस 50 ml प्रोडक्ट जस्ट फॉर 460 bucks, विच इज़ ग्रेट आई थिंक। तो अगर आप कोई अफोर्डेबल रेंज में परफ्यूम देख रहे हो तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।